नमस्कार। आज मेरे प्रिय संगीत साधकों, मेरे बंधुओं, आज की जो लेसन है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत ही छोटे समय में आपको ये बताने वाला हूँ कि जनरली लोग का ये क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग क्लासिकल गाते तो क्लासिकल का ही अंदाज रह जाता है, वो लाइट नहीं गा पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या होता है, उनके आवाज़ के स्टाइल। कुछ लोग लाइट गाते हैं तो क्लासिकल नहीं गा पाते, कुछ लोग क्लासिकल गाते हैं तो लाइट नहीं गा पाते। आप उनके लाइट में भी है ना, अजब सा एक अलग सा मीड दिखाई देगा, एक अलग सा मूवमेंट दिखाई देगा जो जनरली लोगों में लोगों पसंद नहीं करते। तो आज की जो लेसन है, मैं आज के लेसन में आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले सुबह जब भी आप उठें, आपका चाहे वो कोई सा भी स्केल हो सकता है आपका पांचवी काले का स्केल हो, चौथे काले का स्केल हो सकता है आपका पहली काले का स्केल हो, कुछ लोगों का दूसरी काले का स्केल होता है, तो उन स्केलों के जो मीनिंग्स है उसका मतलब हटा देना है। और करना क्या है, अभी मैंने अहिर भैरव में आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसी चीज़ को यमन में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी को भैरव में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको भैरवी में कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपको, व्हाट यू वांट टोटली डिपेंड ऑन यू। तो सबसे पहले सुबह उठें, अपने आप को सभी चीज़ से अलग करके, तानपुरा है घर में, आजकल मोबाइल पर बहुत सारे ऐप आ चुके हैं तानपुरा का, तो आप क्या करें, तानपुरा उठ लगा लें और कोशिश ये करें कि अपने कान में लगाएं और अपने लिप्स को बंद करके अपने टीथ्स को आपस में जोड़ने ना दें। और करना क्या है, जब आप ऐसे करेंगे तो ये जो आपका फेस है सिर्फ इतना दूर तक वाइब्रेट होता होगा, कंपन होगी। जब ये कंपन होगी तो इसका मतलब समझ लीजिए आप एकदम सही तरीके का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग करते क्या है, टीथ्स आपस में, जो हमारे दोनों टीथ्स हैं ऊपर के और नीचे के, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं और तब करते हैं, तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता, उसका नुकसान ये होता है कि हम जो चीज़ बोलना चाहते हैं वो खुल के आपके पास नहीं आ पाते। तो इसलिए जब भी प्रैक्टिस करें, ऐसा 5 मिनट सिर्फ करना है और इसका जादू आपको 5 मिनट के बाद, अगले 6ठे मिनट में, जैसे ही आप 6ठे मिनट में जाए, आप अपने आप को रोकें और अपने सा को चेक करें, आप 100% साफ पे कामयाबी पा चुके होंगे। लेकिन ऐसा ये नहीं सोचे कि एक बार कर लिया और हो गया। होता क्या है, अगर आप अपने घर में हैं, घर में आप सफाई करते हैं, अगर सफाई दूसरे दिन ना करें तो साफ किया हुआ चीज़ भी उस पर भी धूल पड़ने लगता है। ठीक यही स्थिति होती है हमारे प्रैक्टिस में भी, जब हम कोई चीज़ को साफ कर लेते हैं तो दूसरे दिन अगर हम उसको और साफ करेंगे तो वो और चमकने लगेगा। और इस तरीके से प्रैक्टिस करके आप उसको बढ़ाएंगे और जितनी बार आप बढ़ा सकते हैं उसके बाद नीचे, धीरे धीरे नीचे की ओर। अभी मैंने अहिर भैरव बताया, अहिर भैरव में जब आप सा बोलेंगे ना तो अक्सर लोगों का सा कैसा होता है, सा, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका सुर बिल्कुल गलत है, आपका सुर ऐसे ऐसे हिल रहा है, का मतलब ये है कि आपका सुर स्थिर नहीं है और आपके सुरों से आपकी दोस्ती नहीं हुई है। तो उसको दोस्त बनाने के लिए आपको उसके साथ मित्रता बढ़ानी पड़ेगी और मित्रता तभी बढ़ेगी जब उसके यहाँ आना जाना आप शुरू करेंगे। तो कैसे, सा, ऐसा करने के बाद नीचे की ओर, सा नी धा,
करेंगे क्या, जैसे जैसे जितनी बार आप कर लिए तो 5 मिनट के बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए। सा नी धा पा धा नी सा रे। मैं अपने हमेशा जितने भी लेसन मैंने आप लोगों को दिखाया है, समझाया है, बताया है, उन सभी में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि इस तरीके से नीचे और नीचे ऊपर है। लेकिन जब आप रियाज के लिए बैठे, जब आप सरगमों को उसको साधने के लिए बैठे, तो कोशिश कीजिए कि तबला चला लीजिए। और तबला चलाने के साथ ये तबला चल रहा है, अब मैंने इसके साथ जोड़ लिया, पहले अपने आप को एकदम स्थिर कर लिया। कैसे? सा नी धा पा धा नी सा रे सा नी धा पा। 5 मिनट कर लिया, फिर इसकी स्पीड बढ़ा लिया। सा नी धा पा धा नी सा रे सा नी धा पा धा नी सा। आकार में ले लिया। कैसे? सा, ध्यान से देखना है आपको। और इसको कैसे? सा नी धा पा धा नी सा रे सा नी धा पा धा नी सा रे सा नी धा पा धा नी सा रे। अब इसका आकार बनाइए। कैसे? आ अब इसका जस्ट डबल चल जाइए। कैसे? सा नी धा पा धा नी सा रे सा नी धा पा धा नी सा रे सा नी धा पा धा नी सा रे सा नी। आकार? अब एक सुर जब हो जाए तब, तो इस तरीके से जब आपकी साधना एकदम एग्जैक्ट आपकी जगह पे पहुंच जाए, तब आपको नेक्स्ट रियाज के लिए बनना है। और इस तरीके की प्रैक्टिस करने के बाद गरारी बन जाती गले में। कैसे? सानी दा बा दा नी सा रे सानी दा बा दा नी सा रे सानी दा बा दा नी सा रे सानी दा बा दा नी सा रे। ये रियाज करने का तरीका है, मुझे विश्वास है कि आप जरूर समझेंगे। और जिस तरह प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह प्रैक्टिस करके आप अपने आप को प्रूव जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।